नमस्ते, स्वागत है आपका होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। मैं हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं इसका मतलब आप नेचर लवर तो हैं ही। तो आज मैं आपको लिए चलती हूँ अपने होम टाउन चंपावत लोहाघाट। काफ़ी सुंदर जगह है समर वेकेशन बिताने के लिए। छोटी सी जगह है, काफ़ी खूबसूरत, हरियाली से भरपूर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह हैं देखने के लिए। कभी भी उत्तराखंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस जगह पे जरूर आइए। काफ़ी मैं वादा करती हूँ आपसे, कभी भी आप यहाँ आके निराश नहीं होंगे। आज मैं जाने वाली हूँ यहाँ की दो तीन फेमस जगहों पे, तो आपको भी दिखाऊंगी कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ और कैसा है यहाँ का वेदर। और शहर के भीड़ भाड़ से दूर ये जगह काफ़ी शांतिप्रिय है। ऐसा नहीं है मैं आज यहाँ पहली बार गई हूँ, काफ़ी बार जा चुकी हूँ। जितनी बार भी जाओ कुछ नया ही यहाँ पे अनुभव होता है। चंपावत में काफ़ी सारे मंदिर हैं घूमने के लिए और टी गार्डन यहाँ का फेमस प्लेस में से है। मैं भी अभी जा रही हूँ चंपावत के टी गार्डन में। एक तरफ है टी गार्डन और दूसरी तरफ बसा है चंपावत शहर। देखिए मेरे पीछे दिखाई दे रहा है चंपावत शहर का पूरा व्यू। ये हैं चंपावत के चाय बागान जो है उत्तराखंड में। तो चंपावत एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, काफ़ी अच्छी जगह है। कभी भी यहाँ पे गर्मी का एहसास आपको नहीं होगा। चारों तरफ से इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ऐसा व्यू आपको दार्जिलिंग या फिर ऊटी में भी नहीं मिलेगा। चंपावत सिटी के अंदर ही है एक गोलजू का मंदिर जो यहाँ के स्थानीय देवता का मंदिर है। अगर आप चंपावत आते हैं इस मंदिर का भी भ्रमण कर सकते हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर इसमें और हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही देवीधुरा नामक स्थान पे बाराही का मंदिर है। तो ये जगह भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ जाकर भी देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही है सिखों का पवित्र स्थल रीठा साहिब गुरुद्वारा, यहाँ भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं साल भर। टी गार्डन देखने के बाद अब हम जा रहे हैं कोली ढेक झील जो है लोहाघाट में। चंपावत से लोहाघाट की दूरी 14 किलोमीटर है। उसके बाद हम जाएंगे मायावती आश्रम। तो अब हम पहुंच चुके हैं लोहाघाट की कोली ढेक झील। देखिए लेक का व्यू कुछ ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है। नैनीताल या फिर भीमताल की तरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। देवदार के वृक्षों से आच्छादित ये इस तरह की झील शायद ही उत्तराखंड में हो। इतनी हरियाली के बीच इन पेड़ों का प्रतिबिंब इस झील पर पड़ता है तो काफ़ी मनोहारी दृश्य यहाँ पर निकल के आता है। तो इस झील के किनारे सैर करने का अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकती। यहाँ की खूबसूरत यादें लिए हुए हम निकल पड़े हैं मायावती आश्रम के लिए। लोहाघाट से मायावती आश्रम की दूरी है 9 किलोमीटर की।
हम पहुंच चुके हैं अद्वैत आश्रम मायावती। इस आश्रम का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी के शिष्यों द्वारा किया गया है। घने जंगल के बीच में बना हुआ है ये खूबसूरत आश्रम। ये है यहाँ का पुस्तकालय। यहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिली, कुछ फ़ोटो ले ली हैं, उन्हीं को आपके साथ शेयर कर रही हूँ मायावती आश्रम की। तो उस समय काफ़ी बारिश भी हो गई थी और पहले यहाँ पे वीडियो बनाने दिया जाता था, अब यहाँ पर वीडियो बनाने में मनाही है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत झलकियाँ मैं आपको दूंगी मायावती आश्रम की। मायावती आश्रम जाने के बाद हम लोग गए एबेड माउंट। अब हम पहुँच चुके हैं एबेड माउंट। ये हमारे बड़े ससुर जी का बंगला है, तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये जगह लोहाघाट से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जगह काफ़ी ऊंचाई में है, यहाँ से हिमालय का व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है। आपको कुछ पिक और छोटी सी क्लिपिंग मैं यहाँ की दिखाती हूँ। यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है। विंटर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। समर सीजन में भी अगर बारिश होगी तो हमें स्वेटर या फिर जैकेट लेने पड़ते हैं। नाइट स्टे के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कॉटेज बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एबेड माउंट से अपने घर बाराकोट। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे जो टावर दिखाई दे रहा है वहाँ पे है हमारा घर। ये पीक है हमारे घर की। और अब मैं आपको कराती हूँ अपने घर की छत से हिमालय दर्शन। समर सीजन के लिए ये बेस्ट प्लेस है। हम भी हमेशा ही जून की छुट्टियों में यहाँ पे जाते हैं, कुछ दिन यहाँ बिता के फिर वापस अपने शहर हल्द्वानी आते हैं। तो देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। बात बजा है शाम का, तो देखिए सनसेट का व्यू दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए सामने की सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ की दिखाई दे रही हैं। ये हिमालय पूरा यहाँ से दिखाई देता है। मॉर्निंग टाइम पे बिल्कुल ये येलो नज़र आते हैं, अभी ये वाइट नज़र आ रहे हैं। और ये है नेक्स्ट डे का व्यू। रात भर बारिश होने के बाद पहाड़ सारे धुले हुए से नज़र आ रहे हैं, और आज तो हिमालय भी पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा है। रोज़ ऐसी स्थिति न्यू होती है क्योंकि बादल बने रहते हैं, बादल की वजह से हिमालय यहाँ से छिप जाता है। तो आज बारिश के बाद का व्यू हमेशा ही ऐसा आता है, इसी तरह से चमकदार हिमालय यहाँ से नज़र आता है। अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एबेड माउंट ज़रूर जाइए, वहाँ से भी इसी तरह का व्यू दिखाई देता है हिमालय का। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट जाते हैं उसके बाद का अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, कैसा लगा आपको यहाँ का मौसम, यहाँ की वादियाँ। अगर आप मेरे इस घर का टूर देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।